हेलो आय आसान गाइस, इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। सो जी स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स समझ रहे हैं हम लोग, कंटिन्यू। तो हम आज क्लास में जो समझने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 समझ रहे हैं, कंटिन्यू अभी तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट आज समझेंगे, ठीक है। तो सेम वही है, जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको एग्जाम में होगा। क्या पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 में? ये कह रहा था कि टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, उन 5 एलिमेंट्स से 3 एलिमेंट्स की वैल्यूज गिवन है, बाकी जो मिसिंग एलिमेंट्स 2 होंगे वो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं, कंसंट्रेशन से समझेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। कॉपी एंड पेन साथ रखें, नोट भी करते हैं, कंसंट्रेशन से समझें, देखें क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, कैसे हम फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, रेडी है? आइए तो समझते हैं साथ मिलके क्या हो रहा है सॉल्यूशन। अब देखिए, पहले ये 5, दीज आर द 5 एलिमेंट्स ए एल आर एन एस आर, इनमें गिवन क्या है? एल गिवन है, आर गिवन है, एस आर एन गिवन, मींस ए एंड एन रिक्वायर्ड है, ए क्वेश्चन मार्क एंड वैल्यू ऑफ एन इज क्वेश्चन मार्क, ये दोनों रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे, इनको फाइंड करना है तो इनको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। एज वी नो लास्ट टर्म इज इक्वल टू टी ऑफ एन, मींस आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय लास्ट टर्म ऑफ टी ऑफ एन equal to AR power N minus 1 because it's a GP geometric progression, तो geometric progression वाला formula use किया जाएगा, ठीक है। जो formula लिखा, अब values of करेंगे, N is 486 equal to A required है, R की value है 3 power N minus 1, तो N भी required है, ठीक, clear जाते हैं। अब देखेंगे 486 equal to a multiply by 3 power n minus 1, तो 3 power n multiply by 3 power minus 1 लिख सकते हैं, सही है, समझ में आ रही बात। अब देखें फिर से सुनिए, अगर multiply में दो terms हैं, base same है, तो हम क्या करते हैं, base one term लिखकर क्योंकि power आपस में plus minus करेंगे, आई बात समझ में। तो 3 power n into 3 power minus 1 means base same है, one term लिखकर power आपस में प्लस माइनस करेंगे, तो इनको अलग अलग लिख भी सकते हैं जैसे ये लिखा, क्लियर, आई बात समझ में, ठीक है। सो हम देखें क्या होगा, 486 इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 3 पावर एन इनटू 3 पावर माइनस 1, नेगेटिव पावर है तो अपॉइंटमेंट लेंगे, फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो गए, ठीक, आई बात समझ में आता। अब 1 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड में तो साइड में शिफ्ट करेंगे, ये 3 जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा 486 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक। अब a मल्टीप्लाई में तो a साइड में डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू 3 पावर n, 3 पावर n को आजाद कर दिया जाए, इसलिए अब 3 जो ये मल्टीप्लाई करेंगे 486 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 6 18 1 एंड 3 8 24 में 1 प्लस करेंगे 25 2 रहेंगे एंड 3 4 12 प्लस करेंगे 12 2 प्लस करेंगे हो जाएगा 14, क्लियर है। तो 3 को मल्टीप्लाई करने से आंसर मिला 14 58 अपान में a इज इक्वल टू 3 पावर n, यहां पर इसको नाम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, आई बात समझ में, क्लियर है ये, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर ए का नाम क्यों दिया है, क्योंकि जो फॉर्मूला यूज किया है उस फॉर्मूला में दो ए एंड एन वेरिएबल्स जो रिक्वायर्ड है दोनों यूज हो रहे हैं, तो इसलिए यहां पर इसको लागू किया, क्योंकि बस इंसान नहीं कर सकते, अगर सिंगल वेरिएबल होता तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, करेंगे भी अगर होते तो दोनों वेरिएबल है जो रिक्वायर्ड टर्म्स में मौजूद है, तो यहां पर इसको इक्वेशन नंबर का नाम देकर लॉक किया है। आगे मूवते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ कैसे मूव होते हैं, उसमें कहां से क्या यूज करना है। सिमिलरली नाउ वी यूज
अब सम फाइंड करने का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब सम फाइंड करने का फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ आर मींस कॉमन रेशियो पे। कॉमन रेशियो क्या यूज कर रहे हैं, हियर कॉमन रेशियो इज 3, इट मींस वैल्यू ऑफ आर इज ग्रेटर देन 1। 3 का मतलब ये है कि ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 के हिसाब से फॉर्मूला यूज होगा ए आर पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, ये है फॉर्मूला। ठीक है, आई बात समझो, सम 728 ए रिक्वायर्ड टर्म है, वैल्यू ऑफ आर इज 3 पावर एन रिक्वायर्ड टर्म है माइनस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1। सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए जिन टर्म्स की गिवन थी वो क्लियर है, आई बात समझ में। ठीक है, कंसेप्ट अच्छे से समझिएगा। अब देखिए 728 रिमेंस है ए, अब यहां पर 3 पावर एन 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 करेंगे हो जाएगा 2। ठीक, अब इस फ्रैक्शनल टर्म में 2 डिवाइड में 2 डिवाइड में साइड पे शिफ्ट करेंगे ये 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, सही है, तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 728 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक, इज इक्वल टू ए बाकी ब्रैकेट में 3 पावर एन माइनस 1 क्लियर है ये। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 16 1 रहेगा, 2 टू 4 में 1 प्लस करेंगे 5 7 टू 14 हो गया, 2 मल्टीप्लाई करने से आंसर क्लियर है, तो 1456 इक्वल टू ए। अब 3 पावर n, 3 पावर n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए इक्वेशन नंबर 1 में ये 3 पावर n 5 के है, तो इसीलिए 3 पावर n इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर ग्राफ किया था, तो 3 पावर n की वैल्यू 1458 डिवाइडेड बाय a माइनस 1, सही है, 3 पावर n की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। ओके, आई बस समझ में। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है, 1456 इक्वल टू a फ्रैक्शन में टर्म माइनस हो रहे हैं, तो एलसीएम लेकर प्लस माइनस करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो मींस 1 है, a इनटू 1 की एलसीएम होगी a। ठीक, क्योंकि डिनोमिनेटर में a सेकंड टर्म के बाद में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1458 इसके डिनोमिनेटर जो नंबर है सेम एज एलसीएम है, तो न्यूमरेटर में मींस है माइनस 1 के अपान में कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम जो भी नंबर है सेम मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर के साथ। ओके, क्लियर है ये। अब देखो ये a से ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, होल डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में कैंसिल हो गया, सो 1456 इक्वल टू 1458 माइनस 1 मल्टीप्लाई a, तो सिंपली a रहेगा। अब a की वैल्यू चाहिए तो a के साथ ये नंबर प्लस में साइन शिफ्ट करें ताकि a आजाद हो जाए, माइनस 1458 इक्वल टू माइनस a साइन, तो ये साइन नेगेटिव a की है, सही है, तो अब प्लस माइनस करेंगे 1456 में से ये 1458 माइनस करेंगे तो माइनस 2 इक्वल टू माइनस a, तो दोनों साइन नेगेटिव साइन कैंसिल हो गई, तो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2, तो फाइनली रिक्वायर्ड टर्म a एक टर्म की वैल्यू मिल चुकी है आपके सामने है, a फाइंड कर चुके हैं, एक वैल्यू आ चुकी है, सही है स्टूडेंट्स, क्लियर है ये, समझ में आया, जस्ट गौर से समझिए, सिंपलीफिकेशन है, क्या हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आरी बात समझ में। ठीक, अब नेक्स्ट a की वैल्यू मिल चुकी है तो n फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो a की जो वैल्यू 2 मिली है, इस a की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो n की वैल्यू मिल सकती है, मिलेगी वहां से, तो आइए समझते हैं वो कैसे मिलेगी। सो पुट अप करेंगे a इक्वल टू 2 n इक्वेशन नंबर 1 में वी गेट इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे a की वैल्यू 2 को, तो इक्वेशन 1 पहले लिखी जाएगी, इक्वेशन 1 है 1458 डिवाइडेड बाय a इक्वल टू 3 पावर n, ये इक्वेशन 1 जो भी है सेम एज इट लिखी है ताकि इजीली समझ सकें।
सही है, तो आप देखें कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ए की जगह पे 1458 डिवाइडेड बाय टू वैल्यू आ चुकी है, एक जगह इक्वल टू 3 पावर 10, ठीक है। अब 2 डिवाइड करेंगे 2 7 14, एंड देन 5 को 2 का टेबल 2 टाइम 2 टाइम 2 टू 4, 5 में 4 माइनस करेंगे बाकी 1 रहेगा, 1 साइड का डिजिट 18, 18 को 2 का टेबल ऐसा कर 9 टाइम इज इक्वल टू 3 पावर n, क्लियर है, ठीक। अब n की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, n देखिए 3 पावर n, n पावर में मौजूद है, तो अब n जिस नंबर के ऊपर है, जिस नंबर के पावर में मौजूद है, वो सेम नंबर बराबर की उस साइड पे हमें अवेल करना है, तभी जाके n मिलेगा। अब कैसे, उस साइड पे 300 729 है, तो हमें 3 चाहिए बेस्ट, तो जो भी नंबर उस साइड पे है उस नंबर से फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे, फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, और देखें क्या होगा। 729 के फैक्टर्स 3 का टेबल लग सकता है, 3 2s आर 6, 1 बचेगा 12 को 4 टाइम एंड 3 3s आर 9, 3 का टेबल लग सकता है, 3 8s आर 24 एंड 3 1s आर 3, 3 का टेबल लग सकता है 27, 9 टाइम 3 टाइम 3 को 3 का टेबल 1 टाइम, ये है 729 के फैक्टर्स, ऑल आर प्राइम नंबर्स, ऑल आर सेम फैक्टर जो 3 3 3 3 में, तो साइड में 3 पावर n है, बेस्ट 3 है, तो साइड में 3 चाहिए था, 3 आ चुका है, ठीक है। तो 3 फैक्टर कितने, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3 टाइम 6, क्लियर, ये आ रही बात समझ में, कितने 3 जो है वो 6 टाइम है, तो 3 पावर 6 कर दिया, आई बात समझ में, ठीक है, इक्वल टू 3 पावर n। अब बेस्ट दोनों साइड पे 7, तो बेस्ट कैंसिल हो गया, फाइनली वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 6, आई बात समझ में, क्लियर है, सिंपल है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन हो रही है, वो कंसंट्रेशन से समझी, प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब देखें फाइनली हम क्या करेंगे, आंसर आंसर जो लिखेंगे, a की वैल्यू 2 है कॉमा n की वैल्यू 6 मिली है, ये है फाइनली सॉल्यूशन सेट और आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है, समझ में आई, तो अब प्रैक्टिस करें, फुली कंसंट्रेशन से समझिए, अगेन अगेन प्रैक्टिस करेंगे ताकि जहां पे आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा, ठीक है। तो अब आप लोग का फर्स्ट बनता है कि इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले, आप वो प्रॉब्लम का प्रॉब्लम इजली समझें, सीखें, कंप्लीट कर सकें, अंडर टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।